ऑल दिल बी फाइट इन बिटवीन टू कॉन्शियसनेस यूनाइटिंग एंड डिविजन दिस फाइट इज कॉल्ड महाभारत युद्ध द मोमेंट टू फॉलो द्रियोगेशन ऑलवेज यू रियलाइजिटी विल ओवरकम जब हम क्रिया युग ध्यान करते हैं तो ही महाभारत युद्ध है जो मिलने वाली क्रिया है ये डोमिनेट होने लगती है और जो ईगो का पावर जो डिवाइड करता है उसके ऊपर आच्छादित हो जाती है फिर रह जाता अस्तित्व योग का मिलन का जो यही सत्य है इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है ट्राई टू फील that बॉडी एंड माइंड इज together. एंड यू आर वर्किंग यू आर ब्रीदिंग टाइट अवेयरनेस बॉडी ब्रेथ शुड बी टुगेदर बॉडी ब्रेथ इज टूगेदर वी विल बी कंटिन्यूस ऑन आवर पाथ आज हम दिन भर ऐसा प्रयास करें कि श्वास अनुभव करते रहें सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाए और काम करें और एकाग्र हो ताब देखेंगे श्वास की गति बढ़ेगी नहीं एकाग्रता बढ़ने लगेगी श्वास की गति कम होने लगेगी Ultimate truth, we are trying to realize how to understand quickly. If you have infinite love for head to toes and practice love by increasing awareness to experience each and every point of head to toes and whatever you feel, accept it presence of all in all. If you remember, follow this practice sincerely with all devotion. Devotion means joyful practice. Then you will realize quickly that you will be on the path of realization of truth that God alone exists. Me and you, this visible universe, all are manifestation of God. Who are showing the path, you can accept them. The most important friend in the life, most important person, you can give any name. Generally guru name is given because bringing the teaching how to bring two opposite together mind is subtle body is gross how to bring body and mind together body you can measure mind we cannot measure feel head to toes व्हाट एवर यू एक्सपीरियंस एक्सेप्ट इट ऑल इन ऑल हम जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे शीघ्रता से करें उसके लिए सरलतम उपाय यही है कि सिर से पैर की उंगली तक इसको अनंत प्रेम करें प्रेम की मात्रा तीव्रता आयाम अनंत हो इसके लिए हम सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभव करते हैं अनुभव क्रिया का अभ्यास करें कैसे आराम से अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं पैर की उंगली से लेके कमर तक कड़ा करते जाएं, उसी समय श्वास अंदर लें फिर कमर से पैर ढीला करते जाए सांस बाहर निकलने दे हाउ टू फील टू टू ट्राई हैव एट द सेम टाइम इनकेज स्टिफनेस टाइटनेस स्टार्टिंग फ्रॉम नेल्स अब द टोस प्रोसीड टूअर्ड्स लोअर बैक द रिलैक्सेशन विद एक्सलेशन we आर एक्सपीरियंसिंग each and every पॉइंट ऑफ बोथ लेग्स with ब्रेथ we आर concentrating ऑन बोथ ब्रेथ एंड बोथ legs हम श्वास और पैर में एकाग्रता बढ़ा रहे हैं पैर को हम कड़ा करते जाए पैर की अंगुली से लेकर के कमर तक श्वास अंदर ले फिर पैर ढीला करते जाए सांस बाहर निकालें यह है कैसे सजगता बढ़ाए इसी के साथ साथ हम पीठ भी ले सांस लेते ही हम कड़ा करें दोनों पैर पैर की अंगुलियों से कमर तक कमर से मेडुला तक पीठ के ऊपरी भाग और मेडुला क्षेत्र सब कड़ा करें फिर श्वास निकालते हुए हम ढीला करें मेडुला का क्षेत्र ढीला करें पीठ ऊपर से नीचे फिर पैर कमर से पैर की उंगली तक श्वास क्रिया इस तरह से लेंगे जो अच्छा लगे प्रैक्टिस इन्हलेशन कंफर्टेबल इन्हलेशन फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग followed by creating tension in the both leg from nails of the toes to lower back from lower back to medullary area coccygeal sacral lumbar thoracic cervical medullary then we start relaxing relax Elas starting point medulla proceed downward up to the nails of the toes remember that inhalation exhalation should be comfortable the you we should not feel breathlessness now include arms also Arms, abdomen, chest, neck, face, head—all. But remember, we should not feel breathlessness. Try to practice in such a way that we have to practice two, three hours. We should be able to practice. Abham pure ko jolle, gala, chehra, sir. श्वास अंदर लेते हुए कड़ा करें फिर श्वास निकालते हुए ढीला करें इस तरह से श्वास लेते हुए कड़ा करें निकालते हुए ढीला करें कि श्वास फूलने ना पाए अगर ऐसे दिन भर करना हो तो श्वास में बेचैनी ना हो श्वास लेने निकालने में बेचैनी ना हो ये प्रयास करें श्वास लेते हुए पैरों को कड़ा कर रहे हैं पीठ को पेट अंदर सीना चौड़ा हाथ को कड़ा करते हुए ऊपर ले जा रहे हैं गला चेहरा सिर सांस निकालते हुए ढीला कर रहे हैं सिर चेहरा गला हाथ सीना पेट पीठ दोनों पैर इसकी सावधानी लें कि जब हम श्वास लेंगे निकालेंगे कड़ा ढीला करते हुए तो श्वास लेने निकालने में बेचैनी न हो ऐसा हो कि इसे हम दिन भर कर सके इस तरह से प्रयास करें साथ साथ ये भी याद रखें कंदर में जो अहंकार तत्व तो है ये मिलन का विरोध करता है कोई चीज दो मिलती है तो उसका सख्त विरोधी है और उसकी जबरदस्त शक्ति है केवल अहंकार तत्व तो झुकता है क्रिया ध ध्यान के सिद्धांत से जो विष्णु की शक्ति है ट्राई टू रिमेम्बर वेन यू प्रैक्टिस दिस देन वी स्टैब्लिश इटर्नल यूनिटी एंड इट इज अपोज बाई ईगो कॉन्सियसनेस वैन यू होल्ड प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ क्रिया युगा विच इज द प्रिंसिपल फिलासफी ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस देन ईगो मेल्ट्स ईगो सरेंडर्स Therefore, repeat with all awareness. When you are raising arms up, try to imagine our length is infinite. जब हाथों को ऊपर उठा रहे हूं तब अपनी सच्ची लंबाई को याद करे अनंत है ये पूरा ब्रह्मांड ही जुड़ा हुआ है पैर के उंगली से सिर तक each and every part from tip of the nails to top of the head. फिर हम ढीला करें रिलैक्स ऑल पार्ट्स ट्राइ टू रिमेम्बर वैदिक नॉलेज इज हैविंग टू डायमेंशन वन इज सपोर्टिंग ईगो नेक्स्ट इज सपोर्टिंग यूनिटी ईगो नेवर अलाउ यूनिटी नेचर ऑफ ईगो इज टू इंक्रीज डिविजन इंक्रीज फाइट इंक्रीज इलनेस सिकनेस But the other part of gospel knowledge, Vedic knowledge is to bring unity. Therefore, all the time there will be fight in between two consciousness, uniting and division. This fight is called Mahabharati. The moment you follow the Kriyoga meditation, always you will realize unity will overcome. डिवाइडिंग पावर ईगो विल मेल्टिल मर्ज विथ गॉड कॉन्सियसनेस अच्छी तरह से याद रखिए कि जो वैदिक ज्ञान है वह दो तरह से बटा है एक है जो ईगो का है जो बंटवारा चाहता है डिविजन चाहता है मिलने नहीं देगा एक है जिसको कैश कॉन्सियसनेस विष्णु की शक्ति कहते हैं जो मिलाने के लिए होती है तो अपने अंदर ही दोनों शक्ति है एक मिलने का विरोध करेगी एक मिलाने का सपोर्ट करेगी तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ही महाभारत युद्ध है तो इसमें जो मिलने वाली क्रिया है ये डोमिनेट होने लगती है और जो ईगो का पावर जो डिवाइड करता है उसके ऊपर आच्छादित हो जाती है फिर रह जाता अस्तित्व योग का मिलन का जो यही सत्य है इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है पैर के उन्नीस से सिर तक का इसका हर विन्द ब्रह्मांड के हर विन्द से जुड़ा है लेकिन ईगो सिखाएगा नहीं जब क्रियायोग ध्यान करेंगे इस सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं हम सबके साथ एक है ट्रुथ इज दिस इज एनवरी पॉइंट ऑफ सेल्फ इज कनेक्टेड विद ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉस्मस बट ईगो टीच डिफरेंटली but when you practice yoga sincerely one day we will realize the whole cosmos is one body therefore let us decide again from today try to feel that body and mind is together when you are working you are breathing try to have awareness if you are running the fast breathing is good if you are not running and feel your head to toes because in running you feel head to toes. Without holding leg and body you cannot run. In the process of running, we have fast breathing. But if you run and do not have fast breathing, you are very powerful. But how to practice this in daily life? Try to feel head to toes more and more because in a run, in high jump. In marathon, in gymnastic, you have to control your arms and back and everything. When you control it, when you feel it, it means you are experiencing head to -tons. But when you are feeling now, sitting here or standing, same thing may happen. You may get high breathing rate. and are you create a high breathing rate. Your body will start jumping. But when you are tensing, relaxing, this is the scientific, in this breathing rate decreases. But when you increase breathing rate without feeling head to toes, you will find emotional sickness. You will start dancing and crying. Therefore, all techniques in which we practice fast breathing without bodily movement, first bodily movement, then followed by breathing. You feel body more to more, more and more, again and again, you cannot have fast breathing. Therefore, very important point you should remember, today, let us observe, feel head to toes more and more when you are working, you will find breath, breath will be calm. When you are working and you are not feeling head to toe, you will find now you start fast breathing. देफ बॉडी ब्रैथ शुड बी टुगेदर या बॉडी ब्रेथ इज टुगेदर वी विल बी कंटिन्यूस ऑन आवर पाथ आप देखिए जब हम दौड़ते हैं या कूदते हैं या कुछ भी मैराथन दौड़ है तो उसमें बिना शरीर को पकड़ लिए दौड़ नहीं सकते आप पैर अनुभव करेंगे तभी दौड़ाएंगे हाथ में एकाग्रता बढ़ाएंगे तभी दौड़ाएंगे उसमें साँस फूलती है लेकिन क्रियायोग ध्यान में हम पैर के उंगली से सिर तक इसे अनुभव कर रहे हैं लेकिन श्वास गति कम हो रही है इसलिए मैराथन वो दौड़ना जॉगिंग जिम इसे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं संभव है लेकिन पैर के उंगली से सिर तक इसको अनुभव करते रहिए इससे ब्रीदिंग रेट घटने लगती है हम अनुभव भी कर रहे हैं ब्रीदिंग रेट घट भी रही है दौड़ने में हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है कि दोनों में अंतर है आज हम दिन भर ऐसा प्रयास करें कि श्वास अनुभव करते रहें सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, और काम करें और एकाग्र हो तो आप देखेंगे श्वास की गति बढ़ेगी नहीं एकाग्रता बढ़ने लगेगी श्वास की गति कम होने लगेगी जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं हाफने लगते हैं कारण क्या है सीढ़ी पर चढ़ते हुए पैर की उंगली से सिर तक इसमें जो परिवर्तन प्रकट होता है आप उसको अनुभव नहीं करते हैं केवल सीढ़ी पर चढ़ना लक्ष्य है अगर सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम परिवर्तन की अनुभूति बढ़ा दें तो आप देखेंगे श्वास की गति धीमी रहेगी या और धीमी हो जाएगी वन यू आर वॉकिंग ऑन find यू विल फाइंड sometimes आफ्टर दैट feeling वेरी डीप ब्रीदिंग वेरी very fast breathing. Why it is happening? Because when you are walking on the steps, our aim is to walk on the steps, our aim is to go up, but our aim should be to feel head to toes. When you are walking on the steps or running on the steps, you must increase more attention, more concentration, how to feel from tip of the nose to top of the head more and more. When you start feeling, then you start walking. At the end, you will find ब्रीथिंग रेट विल बी कॉम लेटसरिमेंट टूडे दिस विद्रीफ मैसेज लेटस बाउड टू आवर डिवोशन इन क्रिया मेडिटेशन क्रिया युग में अपनी भक्ति को नमन करें पूर्वी स्थिति में आए